ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में 23 मई की देर शाम युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा कार्यवाही के बाद तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मृतक युवक का एक युवती के साथ रिश्ता था, जो बाद में टूट गया था। इसके बाद युवती की साथ पढ़ने वाले छात्र मयंक सैनी के साथ दोस्ती हुई, लेकिन मयंक को पता चला कि युवती मृतक से यानी कि पूर्व दोस्त से बात करती थी, जिसके चलते वह नाराज हो गया। मयंक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मयंक मृतक के साथ बाइक पर चल दिया, जबकि उनके दो दोस्त पीछे पीछे दूसरी बाइक पर आ रहे थे। एक सुनसान रास्ते पर मयंक ने युवक को चाकू मारकर घायल किया और उसके बाद मयंक और उसके दो दोस्तों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि तीनों ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। एसपी देहात सागर जैन ने इस बारे में क्या बताया, आइए सुनाते हैं। जी, 22 मई की देर रात्रि थाना नागल पर सूचना प्राप्त होती है कि एक ताजपुर वाले जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान सड़क पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान है और उसकी बाइक भी वहां मौके पर पड़ी हुई है। ये सूचना पर तत्काल थाना नागल की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, साथ ही फील्ड यूनिट एवं मेरे द्वारा और सीओ देवबंद द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जानकारी करने पर युवक की जो है शिनाख्त होती है, पास ही के गांव ताजपुर का वह रहने वाला है। इसके परिजनों से जब संपर्क किया जाता है तो परिजनों द्वारा देर रात्रि में एक लिखित तहरीर दी जाती है, जिसके आधार पर 302 आईपीसी का मुकदमा 6 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत किया जाता है। ये जो 6 लोग नामजद अभियुक्त हैं, ये परिवारजन शक के आधार पर इनका नाम नामजद किया है इन्हें, और ये वो लोग हैं, इनके परिवार की एक युवती है जिसका मृतक के साथ दिवाली के आसपास बीती दिवाली के आसपास रिश्ता तय हुआ था। बाद में वह रिश्ता टूट गया था और दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी हुई थी। इसी के शक के आधार पर ये मुकदमा उन्होंने पंजीकृत कराया था। इस मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जो जानकारी करने पर बात सामने आई है कि यह जो मामला पूरा मामला है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। इसमें एक मृतक, एक युवती और जो अभियुक्त है, तीनों जनता इंटर कॉलेज में साथ में 12th तक पढ़े। उसके बाद तीनों जो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एडमिशन लिया, जिसमें से कि जो युवती है और जो अभियुक्त है वो बीए की पढ़ाई कर रहे हैं और जो मृतक है वो इंद्रप्रस्थ कॉलेज से ही पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। ये तीनों आपस में दोस्त हैं। जब रिश्ता टूटा मृतक का और इस युवती का दिवाली के बाद से, तो इनकी बातचीत बंद हो गई। इसी बीच अभियुक्त जो है वो युवती से बात करने लगा, इनके बीच नजदीकियां जैसे बढ़ गई। बाद में अभी कुछ दिनों पहले जो मृतक है उसकी बातचीत फिर से उस युवती से शुरू हो गई थी। इसी बात को लेकर जो अभियुक्त है उसमें काफी गुस्सा था कुछ दिनों से, वो युवती से भी झगड़ा कर रहा था इस बात को लेकर, और उसने जो मृतक है उसको रास्ते से हटाने का प्लान 5-6 दिन पहले बनाया। अपने साथी इसने जो है बिट्टू और बॉबी, दो इसके जो दोस्त हैं थाना नागल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, इनके साथ इन्होंने एक योजना बनाई और जैसे ही युवक जो रात में पैथोलॉजी लैब में एक काम करता है पार्ट टाइम, तो जैसे ही मृतक अपने लैब से निकल रहा था, जो अभियुक्त है उसके साथ गाड़ी पर बैठ गया और उसके जो दो साथी हैं पीछे पीछे उसी गाड़ी का पीछा करने लगे, और जैसे ही एक सुनसान रास्ते पर मौका देख के उसने गाड़ी रुकवाई और पीछे से हमला किया एवं तीनों ने मिलकर फिर युवक की हत्या कर दी। ये पूरी जानकारी इस प्रकरण में सामने आई है। मात्र 36 घंटे में एक ब्लाइंड मर्डर केस का थाना नागल पुलिस ने खुलासा किया है। इसके लिए तीनों आज अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और आज माननीय न्यायालय के समक्ष तीनों को पेश किया जा रहा है, और बहुत ही सराहनीय कार्य है ये। 33 घंटे में तीनों अभियुक्त को एक ब्लाइंड मर्डर केस आज सॉल्व किया गया है और आज तीनों को जेल। क्या ये 6 लोग, वो में से ही 3 लोग पकड़े गए हैं जो परिजनों ने नाम दिया? जी नहीं, ये तीनों लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो परिजनों ने शक के आधार पर उस युवती के परिवारजनों
के नाम दे दिए थे, जबकि पूरी जानकारी से पता यह चला है कि ना ही वह युवती का इस पूरी घटना में रोल है, ना ही उनके परिवारजनों का रोल है। यह मैंने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें जो अभियुक्त है मयंक, यह युवती से प्रेम करता था, तो इसने जो मृतक को रास्ते से हटाने के लिए अपने दो साथियों के साथ मिलकर यह घटना को कारित किया है, इसमें उनके परिवार वालों का इसमें कोई रोल नहीं। ये ब्लाइंड मर्डर था है, तो अभियुक्त किस प्रकार से टेस होता है? जी, जैसे कि बताया कि इसमें मैनुअल रोल ज्यादा रहा है, हमने युवती जो है, जो नामजद है, उनसे भी बात करी, और ये सब क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो जैसे जैसे हम लोग इस पे काम करते गए चीजें और क्लियर होती गई, और फिर हमें CDR भी ली, इन लोगों की बातचीत भी दी, और इनके मोबाइल्स भी चेक जब किए गए, तो हमें और भी सबूत मिले जिसको हम इस विवेचना में शामिल कर रहे हैं। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।